हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर एट कंपटीशन। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि जेमेन 2022 फाइनली ख़त्म हो गया है और आप सब लोग रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आप लोग के साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर अब आगे क्या करें। तो बेटा, ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका इस बार का जेमेन कैसा गया है। हो सकता है कि वो ठीक ठाक गया हो सकता है कि वो बहुत अच्छा गया हो सकता है कि वो नॉट सो गुड गया हो। तो सर, ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा गया है कि ओके गया है? तो बेटा, अगर आपको किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी बार सीट मिल जाती है तो मतलब आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो आप पूछोगे कि सर कितनी अच्छी सीटें हैं इंडिया में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप सारे IITs, NITs, IIITs, अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड सम गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मिला लो तो 40 to 50,000 सीटें हैं। और 40,000 सीटें अगर आप 800,000 बच्चे मान के चलो तो 95% बैठता है कि अगर आपका बेस्ट स्कोर दोनों जेईई मेन में 95% या उससे ऊपर आ रहा है तो आपकी एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी सीट तो पक्की है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंगल माइंडेड फोकस से जे एडवांस की तैयारी करते रहना चाहिए एंड एट द एंड ऑफ काउंसलिंग जो भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। अच्छा सर, अगर ओके या ओके का क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जे एडवांस के लिए लगभग 800,000 बच्चों ने एग्जाम दिया तो करीब 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो उसमें क्वालिफाई करने का यह मतलब नहीं है कि आपकी अच्छी सीट पक्की है। जैसे कि मैंने बताया कि अच्छी सीटें 50,000 हैं और क्वालिफाई 2.5 लाख करते हैं तो उनमें से 50,000 बच्चों को तो अच्छी सीट मिल जाएगी। बचे हुए 2 लाख बच्चे जो हैं वो एम तो करें एडवांस के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेन अच्छा नहीं गया तो एडवांस पे अच्छा नहीं जाए, बट फिर भी आप कह सकते हो कि आपका जेई मेन तो ओके गया। और अगर जेई मेन भी क्वालिफाई नहीं किया तो जेई मतलब जेई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया तो आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो क्या वो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? ऑफकोर्स यस। हो सकता है कि इस बार किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपका बोर्ड्स था उसके साथ प्रिपरेशन मैनेज नहीं हो पाई, या फिर एनी रीज़न आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो गए या किसी वजह से आपकी प्रिपरेशन डिरेल हो गई। सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीम कॉम्पिटिशन विल ऑलवेज बी विथ यू आगे बताने के लिए कि अब आपके पास क्या क्या चॉइसेज और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो अगर आपका जेईई मेन इस बार वाला ओके या नॉट सो गुड गया तो आपके पास कितनी चॉइसेज, ये डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रिपरेशन में कौन सी स्टेज पर हैं। अगर आपने जस्ट अभी 2022 में 12th पास किया है, या फिर आपने 2021 में पहली बार 12th दिया था और अभी आप फर्स्ट ड्रॉपर है, या फिर आप सेकंड ड्रॉपर है, ठीक है। तो इनमें से हर एक के पास क्या क्या लॉजिकल चॉइसेस हैं? अगर आप सेकंड ड्रॉपर हैं तो आपके पास एक ही चॉइस है कि अभी की रैंक के आधार पर आपको जो भी बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, उसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए और वहाँ पर जाके मेहनत करते रहिए, ठीक है। उसमें कैसे जाना है उसमें काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए जेई मेन के लिए ही आप ड्रॉप ले सकते हैं। जेई एडवांस का आपका जो भी अटेम्प्ट है वो लास्ट अटेम्प्ट है। और एक और चॉइस है कि सर मैं थक गया हूँ प्रिपरेशन करके, आई गिव माई बेस्ट, तो मुझे तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, ये चॉइसेस हो सकती है। और 12th पास बच्चों के पास तो तीन चॉइसेस हैं। तीन चॉइसेस कैसे हैं कि वो या तो कॉलेज ले लें जो भी मिल रहा है, या फिर वो जेई मेन के लिए ड्रॉप लें, या फिर वो जेई एडवांस के लिए ड्रॉप लें। जे एडवांस 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इस पर ABJ सर ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो जाके देख लें। उसके लिए हमारा प्रवीण बैच है जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से जे एडवांस की तैयारी करवाते हैं। अब अगर आपको जे मेन के लिए ड्रॉप लेना है, कॉलेज में जाना है, पहली बात तो ये डिसीजन कैसे लें सर कि मैं ड्रॉप लूं कि मैं कॉलेज में चला जाऊं? तो ये आपके नेचर पर डिपेंड करता है। आप अपने आप को आग बनकर इमेजिन करो कि मैं एक साल और तैयारी कर रहा हूं जेई की, ठीक है। यू हैव टू इमेजिन इट बिफोर यू एक्चुअली डू इट। वो सोच के आपको कैसा लगता है, ठीक है? अगर आपको एक आशा की किरण जगती है, आपको एक होप जगती है, एक जज्बा जगता है कि हाँ मैं खूब मेहनत करूंगा और खूब अच्छे से तैयारी करूंगा, एक एक्साइटमेंट है, तब तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। बट अगर आपके माइंड में एंशियसनेस, फियर, सैडनेस, इस तरह के इमोशंस आते हैं तो डोंट वरी, गेट इन टू द कॉलेज और वहाँ पर जाके आप जो भी ब्रांच ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस या कोर ब्रांचेस उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दें प्रोएक्टिवली, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है तो आप अभी से कोडिंग की क्लासेस कहीं से भी लेना शुरू कर दें, और अगर आपको कोर ब्रांचेस में लेना है तो उनकी बुक्स वगैरह ऑर्डर करके आप मालूम करें कि कौन सी बुक्स आती है एंड उन पे रिसर्च करना अपना जारी रखें, ठीक है। और अगर आप थोड़े अनडिसाइडेड टाइप के हैं, अगर आपको सैडनेस या एंगर जैसा या होपफुलनेस एंग्जाइटी फील होती है तो कोई बात नहीं बेटा, कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ पे आके मेहनत करते रहना। अगर आप में जज्बा है कि मैं बिल्कुल फाड़ दूंगा अगले साल तैयारी करके, तब आपको ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दैट 1 ईयर विल बी एन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि आपका कॉलेज अच्छा खासा इंप्रूव हो जाए, आपको इस बार NIT भी नहीं मिल रहा था और अगली बार IIT मिल जाए, ठीक है। इस बार आपको नॉट सो गुड कॉलेज मिल रहा था, अगली बार गुड कॉलेज गुड ब्रांच मिल जाए,
या फिर अगर आपकी रैंक मेंटेन भी रहती है तो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा एक और साल, वो आपके इंजीनियरिंग में भी डेफिनेटली काम में आएगा क्योंकि बेसिक्स तो वही होते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़े अनडिसाइडेड टाइप के हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मुझे तो आप जैसे बताओ हम वैसा कर लेंगे, तो एज एन एल्डर ब्रदर माई एडवाइस टू यू विल बी, एक चांस लेके देखो यार, है ना, एक ड्रॉप लेके देखो, बिकॉज हु नोज दैट वन ईयर कैन चेंज अ ह्यूज डिफरेंस 4 years डाउन द लेन एंड 10 years डाउन द लेन, ठीक है। एक साल अभी देखे एज एन इन्वेस्टमेंट, आप आगे की जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देखे खुद को कि इस बार जो भी गलतियां हुई वो मिस्टेक्स में नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूंगा, आप ड्रॉप ईयर ले सकते हो, ठीक है। नाउ इफ यू डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप एंड दैट टू फॉर जेईई मेन, तो आपको क्या करना है उसमें, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको पता है कि खाली लेक्चर्स देख के कॉलेज में आना इट कैन बी डन, बट यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, जैसे कि आपको प्रैक्टिस शीट्स करनी होती है, एग्जाम्स देने होते हैं, कहीं पे आपको डाउट्स आते हैं तो आप डाउट्स में फंसते हो, कहीं पे आप डिमोटिवेट होते हो तो आपको मोटिवेशन के डोज की ज़रूरत होती है, तो ये सब आपको एक जगह पे मिलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा कि सर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ, तो हमारे पास प्रूवन रिजल्ट्स और प्रूवन एग्जाम्पल्स है लास्ट मल्टीपल ईयर्स के, कि बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ के हमसे, है ना, प्योरली ऑनलाइन पढ़ के भी IITs भी गए हैं, NITs भी गए हैं, अच्छी अच्छी रैंक्स भी लाई है, अच्छे अच्छे कॉलेज में अच्छी अच्छी ब्रांचेज ली हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप फोकस्ड हो, मेहनत करोगे, तो इट डजेंट मैटर कि आप ऑफलाइन में या ऑनलाइन में किस में पढ़ रहे हो। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ईजिली, या फिर आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, तो वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन किसी में भी हो सकता है। तो ये तो आपकी कॉन्शियस चॉइस है कि मुझे अगर एक साल तैयारी करनी है तो मुझे फोकस्ड रहना है, ठीक है, मुझे मेहनत करते रहनी है, तो फिर ऑनलाइन is as good as offline, उसमें कोई difference नहीं है। तो हमारा जो online next batch है जो हम launch कर रहे हैं वो है Prabal 2, जो कि JEE Main 2023 के लिए focused है, वो 8th of August को launch हो रहा है, और hopefully तब तक JEE Main का result भी आ जाना चाहिए, so that you can make an informed choice, उसके आसपास आ जाएगा। अच्छा सर syllabus ख़त्म कब होगा, ये हमने पूरा try किया कि JEE Main के first attempt से पहले पहले consciously syllabus ख़त्म हो जाए, तो वो जून के फर्स्ट हाफ में ही ख़त्म, जनवरी 2023 के फर्स्ट हाफ में ही ख़त्म हो जाएगा इसका एक्सेस पूरा, जब तक कि जेईई मेन के सारे अटैम्प्ट नेक्स्ट ईयर के ख़त्म नहीं हो जाते, चाहे वो 2 अटैम्प्ट हो चाहे उससे ज़्यादा अटैम्प्ट हो, तब तक आपके पास रहेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसकी फ़ीस जो बहुत ही नॉमिनल सी 18,000 है। क्लासेस की फ्रिक्वेंसी सिंस अभी कम टाइम बचा है तो 6 days पर वीक रहेगी, और इसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है, डेली का लेक्चर डेली ही ख़त्म करना है, बिकॉज एक बार आपने बैकलॉग क्रिएट होने दिया तो वो चेन बनती रहती है। तो फिर भी अगर बैकलॉग बन जाए तो डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग हेल्प फ्रॉम अस, ऑलवेज स्टे इन टच विद योर टीचर्स, ठीक है ना, गिव अप मत करना। अगर आप तैयारी करने का सोच लेते हो तो बस सिंगल माइंडेड लगे रहना, बीच में प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, दैट इज इनएविटेबल, तो जैसे ही थोड़ा सा डाउन फील करो तो आप हमसे हमेशा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने का डिसीजन आपने ले ही लिया है तो आप कॉम्पिटिशन डिजिटल ऐप डाउनलोड करके उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो नीचे हमने एक पेज बनाया है, उसमें जाके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक, एंड फिर भी आप डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, तो आपके रिकॉर्डेड स्केड्यूल्ड वीडियो क्लासेस होंगी, ठीक है, डेली आप जितना कंज्यूम करना चाहिए और कितने कंज्यूम करने से टाइमली सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको स्केड्यूल मैनर में वीडियो लेक्चर्स देंगे। तो आपको पूरा ट्राई करना है कि सेम डे लेक्चर्स करो, सेम डे उनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए हम आपको जो शीट्स और DPPs है उनकी हार्ड कॉपी आपके घर पे भेजेंगे, और उनके जो टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस है वो डिजिटली ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास डाउट पूछने के बहुत सारे एवेन्यूज रहेंगे, लेट अस से आपको शीट के किसी क्वेश्चन में डाउट आया तो आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन है, वो नहीं समझ में आया तो वीडियो सॉल्यूशन है, वो नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो जिस पे विदिन 24 आवर्स हम जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट क्लियर करेंगे, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है और आपको चाहिए कि मेरे सामने टीचर बैठा रहे और फिर मुझे डाउट क्लियर करना है, तो डेली के डेली आपके लाइव डाउट सेशंस भी रहेंगे, ठीक है, जिन पे भी आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद भी डाउट अगर कोई बचा रह जाता है तो द ओनर्स इज ऑन यू कि आपको ही डाउट तो आपको ही क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है, नोबडी कैन एल्स कैन क्लियर योर डाउट्स फॉर यू, ठीक है। नॉट जस्ट एकेडमिक डाउट्स, अगर आपको कोई नॉन एकेडमिक क्वेरी आती है,
ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म्स कब आ गए, है ना, उसके फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग में चॉइसेस कैसे फिल करनी है, उन सब में हम आपकी हेल्प करेंगे। नॉट जस्ट दैट, लेट्स से कि जेईई मेन का फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाता है और उसके बाद आपको रिविजन की ज़रूरत पड़ती है सेकेंड अटैम्प्ट के लिए, तो उसके लिए भी हमारा जो जेएम कोर्स है वो हम लॉन्च करेंगे, उसमें एनरोल करके आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रिविजन कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह की कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है वो सारी आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यहीं कॉम्पिटिशन पे मिलेंगी। सो विद पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स फॉर जेईई मेन 2022, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन 2023, डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल।